वेलकम टू माई व्लॉगिंग चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, जल्दी जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और मुझसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ. आई होप आपने मेरे सारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं ना. नहीं देखे हैं ना, पहले वो देखना फिर ये व्लॉग देखना. तो आज मैं आई होटल रीजेंटा में. अभी जस्ट मैंने एंटर करा है, मैं यहाँ पर पहुँची हूँ 10-15 मिनट पहले ही. एंड अभी पहले बस हम थोड़ा सा विजिट ही कर रहे थे, देख रहे थे एक बारी कैसा है क्या है. तो मैं अपना ना जो रूम है वो दिखाती हूँ. एंड इतना सुंदर इन्होंने मेरा वेलकम करा है. इट्स टाइम फॉर रूम टूर. तो मैं एक बारी आपको अच्छे से पूरा रूम टूर करा देती हूँ. सो ये है सिटिंग एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. इसके बाद आता है हमारा बेडरूम जहाँ पर इन्होंने इतना सुंदर सरप्राइज़ प्लान किया था, इतने अच्छे से वेलकम करा था. मज़ा आ गया था देखकर, बिकॉज़ ऐसा वेलकम तो मेरा पहली बार ही हुआ है. बाकी यहाँ से व्यू देखो यार, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी था. उसके बाद मैं अभी वॉशरूम दिखाऊंगी. वॉशरूम भी इतना लग्जरी, इतना बढ़िया वॉशरूम था. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर सिर्फ एक वॉशरूम नहीं, यहाँ पर दो वॉशरूम थे. एक काफ़ी बड़ा था जहाँ पर बाथटब वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा. दूसरा वॉशरूम थोड़ा छोटा है तो वहाँ पर बाथटब वगैरह नहीं है, बट अच्छा है. तो सिटिंग एरिया स्पेशली बेडरूम तो मुझे मज़ा आ गया था. बहुत सारी मैंने पर फोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ क्लिक करी, बिकॉज़ रूम बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर. मेरे को लगा नहीं था इतना सुंदर होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप फिटनेस फ्रीक हो ना तो यहाँ पर आपको जिम भी मिलने वाला है. एक जिम एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी मशीनें जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो है, तो आप लोग अपना वर्कआउट भी कर सकते हो. बाकी इतने में मेरी ड्रेसेस आ गई थी, मैंने मम्मी से मंगवाई थी. तो ड्रेसेस आई, मैंने फटाफट से ड्रेसेस पहनी, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, तब तक मुझे भूख लग गई. भूख लगते साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से स्टार्टर्स ऑर्डर कर दिए थे और कोल्ड कॉफ़ी मुझे पीनी थी. साथ साथ यहाँ पर चल रहा था मेरा शूट का सारा जो ब्रेकफास्ट इन बेड हमारा थीम था, तो ब्रेकफास्ट आ चुका था और ब्रेकफास्ट बेड में सज रहा था. इतने में मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि मेरा तो हुआ ही नहीं था ना. फिर टाइम आया थोड़ी सी फ़ोटोज़, बिकॉज़ वहाँ पर अंदर बेडरूम में रेडी हो रहा था ब्रेकफास्ट बेड पे, तब तक मैंने सोचा कुछ अच्छी सी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ क्लिक तो बनती है. तो इस आउटफिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. यह आउटफिट भी मुझे एक कोलैबोरेशन में आया था, एन्चांटे एक स्टोर से आया था. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वहाँ से मुझे काफ़ी सारे आउटफिट्स आए थे जो मैं बीच बीच में जब भी मुझे मौके मिलते हैं या जब मुझे लगता है कि ये आउटफिट बिल्कुल जा रहा है इस थीम पे, तो वो आउटफिट मैं ज़रूर पहन लेती हूँ. आप भी जा सकते हो एंड मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो. मैं अपना मेन आउटफिट लाना भूल गई थी जो मुझे चाहिए. मुझे लगा मैंने बैग में रख दिया, बट वो वाला आउटफिट मेरा घर पे ही छूट गया था. तो मैंने भी स्विगी जी नहीं करा, मम्मा ने फिर घर से मेरे आउटफिट्स भेजे मुझे. एंड अभी हमने जो शूट करा है वो प्रॉपर्टी का शूट करा है. अब हमारा F&B का शूट चल रहा है एंड अभी उसे मैनेज कर रहे हैं अच्छे से बेड पे, तो वो होगा. एंड दिस इज़ the cute dress I'm wearing. Let me show you this cute dress I'm wearing. ये मैंने मेरे को आया था एन्चांटे से काफ़ी टाइम पहले. F&B's के बाद जैसे पूल एंड ड्रिंक का शूट हो जाएगा हम अपना लंच करेंगे, उसके बाद होगा पूल का शूट. पूल बहुत सुंदर है, मैं अभी देख कर आई हूँ. आप लोगों को भी अभी मैं पूल दिखाऊंगी, तो पूल के लिए थोड़ा सा वेट करो. संडे है तो चीट डे तो हो गई, तो आज सारा मेरा चीट डे है. सारा मैंने जो खाने का मन है मैं सारा खाने वाली हूँ. आज नो वर्कआउट, आज संडे था, मैं कोई वर्कआउट नहीं करती हूँ, रेस्ट ही रहता है. तो रेस्ट और यहाँ से कितना अच्छा भाई, देखो ना व्यू. तो मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेकफास्ट इन बेड. तो ये सारी चीज़ें मेरे ब्रेकफास्ट में थी, काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें थी लाइक म्यूसली वगैरह. मैं काफ़ी खुश थी फ्रूट्स म्यूसली इन चीज़ों से, बट इसमें काफ़ी कुछ नॉन वेज भी था, वो स्पेशली शूट के लिए था. मैं आपको फिर से बता देती हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ यार, मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ. तो यहाँ पर भी पहले मैंने सारी चीज़ें शेफ से पूछी थी कौन सी वेज है कौन सी नॉन वेज है, उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने सारी नॉन वेज साइड कर दी थी और सारी वेज अपने अकॉर्डिंग मैं शूट में उनको टेस्ट कर रही थी या खा रही थी. वैसे शूट करते करते खाना ठंडा हो गया तो मैं फ्रूट्स ही खा रही थी, जूस ही पी रही थी. बट ये दिखता सुंदर रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा लग्जरी मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर रही हूँ. एंड
यार मीठा तो फेवरेट है ही यार। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था मीठा, बट अब मुझे मीठा काफ़ी पसंद है, तो मीठा मैंने नहीं छोड़ा। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी टेस्ट ज़रूर करी थी मीठे में, बाकी मैंने जूस पिया था। बट शूट काफ़ी अच्छा रहा, तो फूड के बाद हमने करा अपना शूट। पहले मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, टेस्ट करते करते शूट पे चल रहा था, तो ये बाथरोब जो मैंने पहना है उसमें ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हमें चाहिए थी, शूट हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हम आए हमारे पूल एरिया में, एंड यू विल नॉट बिलीव, ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, यहाँ पर एक अलग ही शांति है यार। मुझे लगा नहीं था मेरा आउटफिट इतना बढ़िया जाएगा पूल के साथ, एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर बनाई, काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर आज इतनी भीड़ नहीं थी, इतने लोग नहीं आए थे, तो मैं कम्फर्टेबली अपना शूट कर रही थी, पूल में गई, बहुत सारा इन्जॉय करा। ऑनेस्टली यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आराम से मैंने पूल में इन्जॉय करने के बाद अपना लंच इवनिंग में करा था, एंड डिनर तो मैंने बहुत लेट करा क्योंकि पेट एकदम मेरा भरा हुआ था, बट फूड यहाँ का बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर एक टाइम आया, मैंने अपना फ़ोन साइड रखा और मैंने प्लान बना लिया, अब मैं आराम से कुछ देर पूल में जाऊँगी, आराम से अपना इन्जॉय करूँगी, क्योंकि शूट 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 ही चल रहा था उसका। अभी मैं आई हूँ पूल साइड में, दिस इज़ माई आउटफिट। ये है पूल, बहुत सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पूल है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी जस्ट मेरा लंच भी आया, लंच में मैंने अपना मशरूम एंड मुझे कुछ मशरूम आइटम ऐसा कुछ खाने का मन हो रहा था, एंड चिली पनीर मुझे पसंद है, एंड पास्ता एंड डाइट कोक, पता नहीं क्यों बट कुछ तो चलो डाइट पे हूँ, डाइट फिटनेस। मैं एक बार अपना आउटफिट अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। वेट, सो दिस इज़ द आउटफिट। तो यार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग दिल्ली से या कहीं से भी देहरादून में आ रहे हो तो ये एकदम परफेक्ट जगह है आपके स्टे के लिए, आप यहाँ पर रुक सकते हो। यहाँ पर पूल है, बहुत बढ़िया शांति है, बढ़िया वाइब्स है यार, और क्या चाहिए, इतना अच्छा खाना और वो भी एकदम रीज़नेबल प्राइस पे, आप जो बोलोगे इतने जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा, इतने बढ़िया टेस्ट के साथ, और क्या चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। एंड हाँ, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आप मेरे रेफरेंस से जाओगे, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, तो आप जाओ तो बोल के आना, आप मेरा व्लॉग देखकर यहाँ पर आए हो, साक्षी जोशी का व्लॉग देखकर आए हो, तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। ओके बाय, सी यू ऑल।